एक जानकारी। बहुत मुश्किल वक्त था, हम लोग का दिल से जुड़ाव था जदयू से, लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोग को कहीं का नहीं छोड़े। अंत में हम लोग को ये फैसला लेना पड़ा। हिस्सेदारी कहाँ, कुछ वो लोग मौन होके बैठ गए क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो दे दिए तेजस्वी जी को। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया, उसके बाद समर्थक यहाँ बधाई दे रहे एक दूसरे को। कितनी खुशी की बात है मैडम। बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग नहीं चलेंगे, बहुत चल गए। ये लास्ट तीसरी बार नीतीश कुमार ने भगा, अब ये संभव नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी है। खुशी की बात है, आपको तो बार बार बोल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारी अपनी पार्टी हो गई। फैसला लेने में कितना मुश्किल वक्त गुजरा। बहुत मुश्किल वक्त था, हम लोग का दिल से जुड़ाव था जदयू से, लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोग को कहीं का नहीं छोड़े। अंत में हम लोग को ये फैसला लेना पड़ा। अभी तक हम लोग चाह रहे थे कि पार्टी बच जाए, लेकिन ये लास्ट में ये निर्णय लेना पड़ा। पहले हिस्सेदारी की बात हो रही थी, उसके बाद पार्टी आप लोगों ने बता दिया। हिस्सेदारी की बात हो रही थी तो हिस्सेदारी कहाँ, कुछ वो लोग मौन होके बैठ गए क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो दे दिए तेजस्वी जी को, तो अब वो देंगे क्या? उनके पास है ही नहीं अब कुछ। हाँ, इसीलिए हम लोग लास्ट में नया घर ही शुरू कर दिया। नया घर, क्योंकि हमारे कहाँ जाएंगे इतने सारे जेडीयू के लोग, कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ इनको मान सम्मान दिलाए हमको? अपना जगह तलाशना पड़ेगा ना मान सम्मान दिलाने के लिए। तो हम लोग अपना जगह तलाश क्या करते, मजबूर कर दिए नीतीश कुमार। नई घर उनके पास कुछ बचा, घर जो था वो घर अब टूटने के कगार में है। आप बताइए, टूटा हुआ घर में आप रहना पसंद करेंगे? कब छत गिरेगा, क्या होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम लोग अपना नया घर बनाए हैं और बढ़िया से उसमें रहेंगे। इसको उपेंद्र कुमार जी चलाएंगे कि फिर आगे कुछ जगमगा जाएंगे? अब कल क्या होगा किसने देखा है? रालोसपा का आज उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से कि उन्होंने उसका खत्म कर दिया था, फिर जेडीयू में गए थे। लेकिन फिर नया दल बना है, उसको हम लोग बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे और बिहार के गद्दी पर जो है उसको बैठाएंगे। अपार खुशी हो रही है कि वंचितों समाज की जो लड़ाई थी, राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का गठन करके जीत गए और नीतीश कुमार के जो चार चमचे थे उसको तागड़ा तमाचा लगा है। चमचे का मैं नाम आपके माध्यम से बता दूंगा, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी। ये चार चमचे की नींद हराम हो गई आज का जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का फैसला है। हमारे पार्टी नेता जो पार्टी बना है उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रहा है, जो वंचितों के हित में हमेशा लड़ाई लड़ेगी। मैं मधुबनी से राम सागर शर्मा। राम सागर जी, तो क्या लगता है कि जो काम जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाए वो अपनी पार्टी बनाकर कर पाएंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जहाँ तक लड़ाई है तो हमेशा हुआ, जहाँ भी रहे हैं वंचितों का लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। कोशिश रहेगा उनका कि जंगल राज वाली जो सरकार थी उनको ध्वस्त करेंगे। बिल्कुल। तो कई जो तस्वीरें अभी फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नई पार्टी बनने के बाद जश्न की तस्वीरें, हर कोई इस जश्न में खुद को सराबोर है। तस्वीरें देखिए। मैं धन के लिए बधाई आपको।